अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बीट्स लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं बनाऊंगी सिल्क थ्रेड से। इसमें मैंने अभी मोती ऐड नहीं किए हैं क्योंकि हमें पहले बेस लाइन बनानी है, उसके बाद में हम इसमें मोती ऐड करेंगे। तो जब मैं इसमें मोती ऐड करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो स्टार्ट में मोती ऐड कर देना। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये नीडल है 7 नंबर 0.95 mm की। 0.95 mm अगर आप शॉप पर या ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर क्लिक कर दोगे ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरीके से हम पहले राउंड लेकर स्लिप नट लेंगे। और दुपट्टे के फ्रंट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इस तरीके से अटैच ले लेंगे। गाइस, मैंने ये वाली जो डिज़ाइन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका मैंने फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अटैच करने के बाद हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चैन लेकर थोड़े गैप पर अटैच करेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1, 2 एंड 3। फिर थोड़े गैप पर अटैच करेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, थोड़े गैप पर अटैच करेंगे। और ये ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 चैन लेना है, थोड़े गैप पर अटैच करना है और ऐसे हम बेस लाइन पहले बना लेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने 3 चैन अटैच लेते हुए ये पूरी बेस लाइन बना ली है। अब हम बनाएंगे, यहाँ से कंटिन्यू डिज़ाइन फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर मैंने धागे में बीड्स भी डाल दिए हैं। अगर आप अलग कलर के बीड्स लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके यहीं से टर्न लेंगे। टर्न लेने के लिए हमें टोटल लेनी होगी पहले 6 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चैन लेने के बाद हम टर्न लेंगे। ये 3 चैन का गैप है, ये छोड़कर ये जो 3 चैन का अटैच है यहाँ पर, इसमें हम डबल क्रोचेट लेंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और इस अटैच पर हम डबल क्रोचेट ले लेंगे। इस तरीके से अब हम बनाएंगे 1 चैन। फिर हम एक मोती पास करेंगे, ऐसे यहाँ पर मोती को पकड़ना है, नीडल पर धागा फोल्ड करके इस धागे में से बाहर आ जाना है, ऐसे। फिर 1 चैन लेंगे और ये जो 3 चैन है वो गैप छोड़कर ये जो अटैच है इस पर हम डबल क्रोचेट ले लेंगे। ये ऐसे। अब फिर हम 3 चैन लेंगे, फिर ये 3 चैन का गैप छोड़कर डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर हमें मोती लगाना है नेक्स्ट गैप में, तो 1 चैन लेंगे, मोती पास करेंगे, अटैच कर लेंगे, 1 चैन लेंगे और अटैच के ऊपर डबल क्रोचेट ले लेंगे, यस। फिर 3 चैन लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर हम 1 चैन लेंगे, एक मोती पास करेंगे, अटैच करेंगे, 1 चैन लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोचेट ले लेंगे। और ये ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। फिर हम 3 चैन लेकर अटैच करेंगे, फिर एक मोती पास करेंगे, 1 चैन लेंगे
मोती को यहाँ पर अटैच करेंगे, वन चैन लेंगे और थ्री चैन का जो अटैच है यहाँ पर, इस पर हम डबल क्रोचेट बना लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए गाइस, हमारी ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। हमने एक गैप में मोती डाला है, फिर एक गैप हमने ऐसे ही रखा है, फिर एक गैप में मोती डाला है। ऐसे एक गैप छोड़ते हुए हमें एक इसमें मोती डालते जाना है और ऐसे हमें पूरी लाइन ये कंप्लीट करनी है। अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर से हम सिक्स चैन लेकर टर्न लेंगे, वन टू थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स चैन लेकर हम फिर से अब फ्रंट साइड में आ जाएंगे और ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर हमें डबल क्रोचेट लेना है। यस, अब जो इसके ऊपर की लाइन बनेगी वो बिना बीट्स वाली बनेगी। अब हमें थ्री चैन अटैच, थ्री चैन डबल क्रोचेट ऐसे लेते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। फिर से हम थ्री चैन ले लेंगे, फिर ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर डबल क्रोचेट बनाएंगे और ऐसे ही ये लाइन हमें कंप्लीट करते जाना है। थ्री चैन लेनी है, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट लेना है, फिर थ्री चैन लेनी है, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट लेना है, फिर थ्री चैन, फिर डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट, और ऐसे ये लाइन हम पूरी कंप्लीट करेंगे। अब कहीं पर भी हमें मोती नहीं डालना है, ऐसे ही हम थ्री चैन अटैच लेते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लेंगे वन चैन और टर्न लेंगे, टर्न लेकर फर्स्ट गैप में हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद नेक्स्ट गैप में हम डबल क्रोचेट लेंगे, वन, टू, थ्री। थ्री टाइम्स डबल क्रोचेट लेने के बाद हम लेंगे वन चैन, फिर हम एक मोती पास करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर मोती को लॉक कर लेंगे, फिर वन चैन लेंगे और सेम गैप में फिर से थ्री टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे, वन, टू, थ्री। अब नेक्स्ट गैप में अटैच करेंगे, अब हम लेंगे थ्री चैन, नेक्स्ट गैप में अटैच करेंगे, फिर लेंगे थ्री चैन, फिर नेक्स्ट गैप में अटैच करेंगे। दो बार ऐसे गैप बनाने हैं, उसके बाद में फिर से हम ये डिज़ाइन फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट गैप में हम तीन बार डबल क्रोचेट बनाएंगे, पहले वन, टू, थ्री, फिर लेंगे वन चैन, फिर एक मोती पास करेंगे, मोती अटैच कर लेंगे, फिर वन चैन लेंगे और सेम गैप में थ्री टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे, वन, टू, थ्री। यस, फिर नेक्स्ट गैप में अटैच, थ्री चैन,
नेक्स्ट गैप में अटैच, थ्री चैन, नेक्स्ट गैप में अटैच, फिर से दो गैप हमने बना लिए ऐसे, फिर ये डिज़ाइन हम फॉलो करेंगे। थ्री टाइम्स डबल क्रोशेट लेंगे पहले, वन टू थ्री, फिर वन चैन लेंगे, फिर मोती अटैच करेंगे, फिर वन चैन लेंगे और गैप में थ्री टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे। फिर नेक्स्ट गैप में अटैच करेंगे और ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको बताते हैं। ये लास्ट और फाइनल लाइन है हमारी, अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये पूरी लाइन इसकी कंप्लीट कर ली है और इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद, और ये बीच बीच में जो इसके बीट्स आते हैं इससे इसका लुक बहुत प्यारा लगता है। सो अगर आप भी इसे दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर बनाना चाहते हैं, साड़ी की बॉर्डर पर, तो बना सकते हैं। और ये इसका फाइनल लुक है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या क्रोचेट लवर्स जो भी आपके टच में हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही मेरा एक और चैनल है बी नेचुरल सीक्रेट्स, जहां पर आप मुझे फॉलो करें, वहां पर गिव अवे चल रहा है, वीकली गिव अवे। तो अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर से चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं दे दूंगी, तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप मुझे डेली अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो कैसी लगी, लेस डिज़ाइन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय गाइज़।